हेलो फ्रेंड फ्रेंड, सर्दियां शुरू हो गई हैं तो सर्दियों में सभी का मन करता है चाय पीने का। चाय तो सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो कि जिससे हमें चाय पी के सर्दी का एहसास भी ना हो और गले में खराश भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं सर्दियों की। तो चलिए बनाते हैं अपनी कड़क चाय। तो चाय मैंने किस तरीके से बनाई है और क्या क्या इसमें इस्तेमाल किया है, तो शुरू करते हैं अपनी चाय बनाना। हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड, सर्दियां शुरू हो गई हैं और ठंडे ठंडे मौसम में सुबह सुबह सभी को चाय की याद आती है। किसी को बैठ टी चाहिए तो किसी को उठने के साथ ही चाय चाहिए। तो आज बनाते हैं सर्दियों के लिए एकदम कड़क गर्म गर्म चाय। शुरू करते हैं चाय बनाना। चाय बनाने के लिए लिया मैंने ये अमूल ब्रांड का आधा लीटर दूध। और लेते हैं अपना फ्राई पैन, उसे गैस पे रखते हैं। फ्राई पैन गैस पे हमने रख दिया है। इसमें लिया हमने ये एक गिलास पानी, क्योंकि हमें आधा किलो दूध की चाय बनानी है तो पानी भी दूध के हिसाब से लेंगे। ये लिया हमने दो गिलास पानी और लिया हमने ये तीन गिलास पानी, क्योंकि दूध के हिसाब से ही पानी लेना होगा। अगर हम कम पानी लेंगे तो चाय का टेस्ट चाय का नहीं आएगा, ये लगेगा हमें दूध में हमने पत्ती डाल दी है। तो अब गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और लेते हैं हम अपनी अदरक, इलायची और लौंग। तो ये लिए हमने चार लौंग और दो हरी वाली इलायची। तो ये हम कूट लेते हैं, इनको कूट के एक पाउडर जैसा बना देंगे। अदरक को हम इसमें नहीं कूटेंगे, पहले हम ये सिर्फ इलायची और लौंग कूट लेंगे। ये हमने लौंग और इलायची को इस तरीके से पीस लिया और इसे डालते हैं हम अपने गर्म जो हमने पानी रखा है उसमें हम इसे डाल देते हैं। पानी गर्म हो चुका है, ये हल्का हल्का उबल रहा है तो इसमें हम ये डाल देते हैं। अब लेते हैं अपना अदरक। ये अदरक मैं इससे क्रश करके डालूंगी, क्योंकि अदरक का जूस है वो भी इसमें आराम से निकल जाएगा, तो अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी अदरक की आएगी इसमें। इसी तरह से मैं ये सारा अदरक इसमें डालूंगी। देखिए इसमें अदरक का कलर भी आ गया और अदरक की एकदम से खुशबू भी आ रही है। इसमें कद्दूकस करने से अदरक का टेस्ट इसमें पूरा आ जाता है, क्योंकि उसमें अच्छे से नहीं कूट पाता है। अब लेते हैं हम अपनी चाय पत्ती। तो मैंने इसमें डाला था तीन नॉर्मल गिलास पानी, तो हम चाय पत्ती भी लेंगे उसी पानी के हिसाब से। तो ये लिए मैंने, ये मेरी छोटी चम्मच है तो मैंने लिए एक चम्मच, दो चम्मच और ये लिए मैंने तीन चम्मच। ये बहुत कड़क चाय है, ये टाटा अग्नि की चाय है। तो आप जितना पानी लिया उसके हिसाब से हमने चाय पत्ती लिए और इसे इस तरीके से उबाल लेते हैं अच्छे से। जब इसमें चाय पत्ती में एक दो उबाल आना शुरू हो जाए तो फिर लेंगे हम इसमें चीनी। तो चाय पत्ती में उबाल आ रहा है, चाय पत्ती ने अपना एकदम कलर छोड़ दिया। अब लेते हैं हम इसमें चीनी। मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं खांड का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप चीनी ले तो चीनी ले लें, नहीं तो खांड लेना चाहें तो खांड भी ले सकते हैं। तो हमने लिया था तीन गिलास पानी, तो एक गिलास में दो चम्मच के हिसाब से हम चीनी लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये हो गया हमारा छह चम्मच। आप अपने हिसाब से मीठा ले सकते हैं। अब इसे हम और उबाल लेंगे। इस तरीके से हम इसे तेज फ्लेम पर उबाल लेंगे। देखिए कलर चाय पत्ती का एकदम आ गया पानी में, तो हमारी चाय में अच्छे से उबाल आ रहा है। अब इस स्टेज पर हमें डालना है इसमें दूध। तो मैंने जो आधा किलो दूध लिया था वो ये एक गिलास दूध और ये हमारा दूसरा गिलास दूध, ये हो गया हमारा आधा किलो दूध। अब दूध भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसे पकाने का सही स्टेज है। अब इसे सबसे अच्छे तरीके से यही पकाना है कि इसे हम तीन से चार बार उबालेंगे। ये देखिए चाय में उबाल आ रहा है। अब हम इसे
इस तरीके से, इस तरीके से फेंट फेंट के उबालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से चाय को आप फेंट फेंट के उबालें तो इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू से ही पता चलेगा आपको कि ये चाय सचमुच में कितनी अच्छी है। हमारी चाय अच्छे से उबल चुकी है, अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और छान लेते हैं। चाय का कलर और चाय की खुशबू प्रॉपर इसमें आ रही है। अब बस गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और चाय हम सर्व करते हैं। तो चाय को छान लेते हैं। देखिए फिर कड़ाके की ठंड में कड़क कड़क चाय। तो चाय हमारी रेडी है, आप कड़ाके की ठंड में ये कड़क कड़क चाय पिए, यकीन मानिए इससे आपकी ठंड भी दूर हो जाएगी और आपकी सुस्ती भी दूर हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं होगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।